हेलो किड्स किड्स, वी विल स्टार्ट हिंदी क्लास। आपकी प्यारे बच्चों, ये कौन सी क्लास है? हिंदी क्लास है, जिसमें आपकी मिस आपको स्वरों की कहानी, व्यंजनों की कहानी, स्वर पढ़ना सिखाती है, व्यंजन पढ़ना सिखाती है। यस, तो हमारी कौन सी क्लास है बच्चों? हिंदी क्लास है ये हमारी। तो किड्स, आज आपकी मिस आपको अक्षर च पढ़ना सिखाएगी। अक्षर च पहले पढ़ना सिखाएगी, अक्षर च का आपको परिचय देगी। आओ बच्चों, आज पढ़े हम अक्षर च। च अक्षर हमारा व्यंजन में आता है। किसमें आता है बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, व्यंजन में आता है। अक्षर च हमारा व्यंजन में आता है। तो प्यारे बच्चों, च से चरखा चलता जाए, च से चरखा चलता जाए, देखो कैसे सूत बनाए। बच्चों, ये चरखा है। चरखे के अंदर जब हम रुई डालते हैं और इसे चलाते हैं, तो क्या निकलता है इसके अंदर से? सूत, सूत निकलता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, एक तरीके का धागा होता है ये, है ना, धागा। यस, चौसी चरखा चलता जाए, देखो कैसे सूत बनाए। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपकी मिस आपको अक्षर च बुक में पढ़ना सिखाएगी। अब हम बुक में पढ़ेंगे अक्षर च। मेरे प्यारे बच्चों, ये अक्षर च है। कौन सा अक्षर है? च च चम्मच, चाबी, चीता, चटाई। दिख रहे हैं ना आपको अक्षर च? दिखाई दे रहे हैं ना बिल्कुल शुरू में? यस, तो फिर से पढ़ेंगे। च चम्मच, चाबी, चीता, चटाई। अब आपकी मिस आपको अक्षर च की कहानी सुनाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपकी मिस ने जब आपको बुक में अक्षर च पढ़ाया था, तो बताया था ना कि अब हम क्या करेंगे? कहानी सुनेंगे। अक्षर च की कहानी सुनेंगे। आओ बच्चों, आज सुनाओ मैं च की कहानी। किसकी कहानी? अक्षर च की कहानी। मुझको सुनाती थी जो मेरी नानी। मेरे प्यारे बच्चों, अक्षर च की कहानी को आप बहुत ध्यान से सुनिए। बच्चों, ये कौन है? एक प्यारा सा लड़का था, बहुत ही प्यारा सा लड़का। उस लड़की का नाम चंदू था। क्या था? चंदू। चंदू की प्यारी सी दोस्त थी। उस दोस्त का नाम था चंचल। क्या था? चंचल। चंदू और चंचल बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो चंदू ने चंचल को बताया, चंचल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। तो चंचल ने चंदू से बोला, क्या लेके आए हो तुम मेरे लिए? तो तुम अपनी आंखें बंद करो पहले चंचल, मैं तुम्हें तभी दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। चलो अब देखते हैं चंदू चंचल के लिए क्या लेके आया। चंदू चंचल के लिए एक चश्मा लेके आया। क्या लेके आया चंदू? चश्मा, काले रंग का चश्मा लेके आया। और इस चश्मे को देख के चंचल बहुत खुश हुई। देखो क्या हुई, चंचल बहुत खुश हो गई। किसको देख के खुश हुई? काले काले चश्मे को देख के बहुत खुश हुई। फिर चंदू ने चंचल को बोला, चंचल, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेके आया हूँ। तो चंचल ने बोला, और क्या लेके आए हो तुम मेरे लिए? तो रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ और क्या लेके आया हो तुम्हारे लिए मैं। तो क्या लेके आया चंदू चंचल के लिए? चप्पल। क्या लेके आया? प्यारी प्यारी चप्पल लेके आया। देखो उसके ऊपर किसका चित्र बना हुआ है? चूहे का चित्र बना हुआ है, चूहे का चित्र। तो इस
चप्पल को देख के चंचल बहुत खुश हुई, क्योंकि उस चप्पल पे क्या बना हुआ था? चूहे का चित्र बना हुआ था। तो चंचल चंदू को धन्यवाद बोलती है। धन्यवाद चंदू, तुम मेरे लिए चश्मा और चप्पल लेके आए जिसपे चूहे का चित्र बना हुआ है। चलो अब हम दोनों घूमने चलते हैं। तो चंचल और चंदू घूमने चले गए। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको कौन मिला? एक चने वाला मिला, जिसके पास मस्से बिल्कुल चटपटी चने थे, मसालेदार चने थे। देखो चने थे, क्या थे? चने। और उन्होंने वो चने चने वाले से खरीद लिए। दोनों ने, चंदू और चंचल ने चने खरीद लिए। चलो हम ये चने अपने जब जाएंगे घूम के तो अपने घर पे खाएंगे। तो जब वो चलने लगे, चलते घूम घूम के जब वो आ गए अपने घर पे, आ गए तो उन्होंने घर पे क्या देखा? उनके घर पे इतना बड़ा ताला था। तो चंचल ने चंदू से पूछा, अरे चंदू अब ये ताला हम कैसे खोलेंगे? तो चंदू ने चंचल को बोला, तुम बिल्कुल परेशान मत हो चंचल, मेरे पास इस ताले की चाबी है। चाबी, इस चाबी की मदद से हम ताला खोल लेंगे, अपने घर का ताला खोल लेंगे। और चाबी की मदद से उन दोनों ने क्या करा? ताला खोल लिया। चाबी की मदद से क्या? ताला खोल लिया। और वो दोनों घर के अंदर आ गए। किसकी मदद से खोला उन्होंने ताला? चाबी की मदद से खोला ताला। और वो अपने जब घर में अंदर आए, उन दोनों ने क्या, जो वो चने वाले से क्या लेके आए थे? चने लेके आए थे, चटपटे चने लेके आए थे। और उन दोनों ने वो चने एक कटोरी में निकाले, कटोरी में डाले, और उसमें दो दो थे, चंचल और चंदू। उन्होंने उस कटोरी के अंदर चम्मच क्या डाला? चम्मच, चम्मच डाले। और चटाई बिछाकर, देखो चटाई कितनी सुंदर, क्या है ये? चटाई है। चटाई बिछाई और दोनों ने उस पे चटाई पे बैठ के वो चने बहुत ही मजे से खाए। किसके किससे खाए? वो चम्मच की सहायता से खाए ना, वो चने किसकी सहायता से खाए? चम्मच की सहायता से खाए वो चटपटे चने। जब वो दोनों चने खाकर बाहर आए, दोनों चंदू और चंचल चने खा के बाहर आए, तो उन्होंने बाहर आके देखा। चंचल ने बोला चंदू को, अरे ये तो बहुत काली काली रात हो गई है चंदू, और देखो आसमान में कितना सुंदर चांद आया है, चमकता हुआ चांद, और उसके आसपास तारे हैं चमकते हुए। तो उन दोनों ने चांद को देखा, देखा और वो चांद को देख के चंदू और चंचल बहुत खुश हुए। उन्होंने कभी इससे पहले इतना चमकता हुआ चांद नहीं देखा था। चमकता हुआ चांद, चांद देखकर दोनों क्या, फिर दोनों आपस में खेलने लगे। और खेलते खेलते चंचल ने चंदू को बोला, अब बहुत रात हो गई है चंदू, मुझे अपने घर चलना चाहिए। तो उसको जो उसके लिए वो उपहार लेके आया था, चप्पल और चश्मा लेकर वो दोनों अपने घर चली गई। और उसे लास्ट में, अंत में उसे धन्यवाद बोला कि तुम मेरे उपहार में चश्मा और चप्पल लेके आए चंदू। तो वो उसको टाटा कहती हुई अपने घर चली गई। कौन चली गई? चंचल। चंचल अपने घर चली गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी मिस ने आपको चंदू और चंचल की इतनी प्यारी सी कहानी सुनाई है, वो आप बहुत अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए। आई विल बी बैक आफ्टर सम टाइम।